हेलो सब्सक्राइबर्स, तो एक बार आपका फिर से वेलकम है भाई की एकेडमी में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और हमारे प्रीवियस वीडियोस जो है प्लेलिस्ट के मैंने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। आप जहाँ से भी जाओ लिंक पे किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का 4 to 12 आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10th स्टैंडर्ड 7th का डिजास्टर मैनेजमेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड ऑड मैन आउट। तो हमें इसमें से एक ऑड वर्ड जो है वो रिमूव करना है और उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो चलो देख लेते हैं उसका आंसर। चार क्वेश्चन है यहाँ पर, चारों का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन है फेमाइन अर्थक्वेक क्लास ब्लस्टर रेलवे एक्सीडेंट, सेकेंड है ड्रॉट हैवी रेन स्टॉर्म सुनामी, सी है लावा हॉट मड एश लोकस्ट, डी है वॉशिंग अवे फ्रॉम क्रॉप्स अटैक फ्रॉम पेस्ट ऑन क्रॉप्स वॉल्केनो सिंगरिंग एंड क्रॉप्स। तो चलो आंसर की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका आंसर। यहाँ पर मैंने सारे आंसर दिए और उसके क्या रीज़न है, वो क्यों आउट हुआ है, वो रीज़न भी मैंने यहाँ पर लिखकर मेंशन कर दिया है। पहले का आंसर है रेलवे एक्सीडेंट, सेकंड का है ड्रॉट, थर्ड का है लोकस्ट, फोर्थ का है वॉल्केनो। देन फिर हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द रेमेडियल मेजर फॉर द फॉलोइंग कैलेमिटीज, अगर ऐसा कुछ आपदा आ जाती है तो उसके लिए हमें कैसे बच बचाव करके रखना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं इसका भी आंसर। सबसे पहला है फेमाइन, ठीक है। तो वाटर शुड बी यूज जुडिशली एंड विथ केयर, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट शुड बी डन, ठीक है। री यूजिंग वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम वाटर, मतलब अगर सूखा पड़ जाता है फिर हमें किसी तरह पानी बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसमें हमें कौन कौन से मेजर्स लेना चाहिए। तो उसके कुछ प्रॉपर पॉइंट्स हैं। री यूजिंग ऑफ वाटर को री यूज़ करके रखना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम एंड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू बी अडॉप्टेड एट लोकल लेवल, प्रिवेंशन ऑफ ट्री फेलिंग एंड प्लांटिंग ट्री इन अ वेरी लार्ज स्केल एरिया, डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप कर देना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से लिख लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आंसर है लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये उसके लिए आंसर है कि वन शुड स्टे एट होम व्हेन देयर इज अ थंडरिंग ऑफ लाइटनिंग, सबसे पहले आपको घर पे रहना चाहिए। वन शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर द ट्री ऑन द हाइट और व्हेन ओपन ग्राउंड एज इन द हायर चांस ऑफ द लाइटनिंग स्ट्राइक, या तो आपको किसी पेड़ के नीचे छुपना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रीज और ओपन मैदान जो ओपन ग्राउंड्स होते हैं ना वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं थंडरिंग को स्ट्राइक, मतलब वहाँ पर बिजली गिरने की। फिर पॉइंट है डू नॉट गेट अ वाटर फ्रॉम स्विमिंग पूल, टेम्परेचर स्विमिंग पूल के अंदर नहीं होना चाहिए। इंस्टॉल लाइटनिंग कंडक्टर ऑन द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग, किसी एक बिल्डिंग के टॉप पे एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा दीजिए कि अगर कहीं कभी थंडरिंग होता है तो डायरेक्ट उस लाइटनिंग कंडक्टर पर आकर रुक जाए। फिर थर्ड है स्टॉर्म, ड्यूरिंग द स्टॉर्मी रेन द ट्रीज में फॉल डाउन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड्स, हेंस ट्रीज आर टू बी ट्रिम टू अवॉइड एनी इंजरीज, वन शुड टेक द शेल्टर ऑफ द सेफ प्लेस अवर, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि ट्रीज इसके पास इसलिए क्योंकि ट्रीज हैवी हो जाते हैं तो ज़्यादा हवा चलती है तो वो गिरने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम अगर ट्रिम कर दिया जाए तो उनके ऊपर हवा का उतना असर नहीं पड़ेगा। फिर उसका थर्ड पॉइंट है द इलेक्ट्रिक सप्लाई शुड बी स्टॉप इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, मतलब किसी के ऊपर वायर गिर जाए तो वो करंट से उसकी डेथ ना हो जाए। अदर पीपल शुड बी हेल्प इफ़ दे नीड एनी शेल्टर, किसी को अगर शेल्टर की ज़रूरत है, कोई अगर रास्ते में है वो अपने घर तक नहीं पहुँच पाए तो लोगों को उसको अपने घर पर रुका लेना चाहिए, उसको हेल्प कर देना चाहिए। और रेडियो को सुनते रहना चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम जो मौसम विभाग वाले हैं, मतलब जो क्लाइमेट कंट्रोल वाले हैं, वो हमें क्या मतलब एडवाइस करते हैं उनके एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। फिर इसके बाद क्लाउड बस, अगर मतलब बादल फट जाता है, सुना होगा आप लोग ने बहुत बारिश हो, बहुत बहुत पानी गिरता है जब बादल फटता है, तो इन द इवेंट ऑफ क्लाउड बस्टिंग सीवियर रेनफॉल, लिखा है ना कि बहुत सीवियर बहुत हैवी रेनफॉल होता है, देयर फॉर वी मस्ट मूव टू द सेफ प्लेस, सबसे पहले हमें सेफ प्लेस पे हो जाना चाहिए। वन शुड नॉट टेक शेल्टर एट एनी फुट हिल, किसी फुट हिल पे तो बिल्कुल रुकना ही नहीं चाहिए, यानी ऊंची खाड़ी ऊंची पहाड़ी वगैरह पे, नियर द रिवर आपको नहीं रुकना है, नियर द सी नहीं रुकना है, यही चीज़ आपके लिए डेंजरस हो सकती है ये जगहों पर, अगर आप तो सबसे पहले वहाँ से हट जाना चाहिए। वी शुड मूव टू सेफ प्लेस एंड ऑल्सो हेल्प अदर टू गो सेफर प्लेस, हमें खुद अच्छे सेफ प्लेस पे पहुँचना चाहिए और जो दूसरे हैं उनको भी हमें एक सेफ प्लेस पे ले जाने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, और उसके पीछे रीज़न भी देना है कि क्यों ट्रू और फॉल्स है तो उसका क्या रीज़न है। तो मैंने इसका आंसर आप लोग के लिए निकाल के रखा है, चलते हैं डायरेक्ट आंसर की तरफ। तो ये है आपका आंसर, मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ, आप भी स्टॉप करके आराम से आंसर लिख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से आंसर लिख लो, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
और मेक श्योर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और अपडेट आपको सबसे जल्दी मिल सके। फिर आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। आपने कुछ ओन वर्ड में कुछ आंसर देने हुए हैं, तो चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सुनामी, सुनामी क्या है और इसको मतलब कैसे मतलब राइज होती है, मतलब इसको बताना है। सुनामी मीन्स ए ह्यूज हार्बर विच हैव ब्रेक एट द कोस्टल रीजन सेजिंग ट्रेमेंडस डैमेज। सुनामी बहुत बड़ी लहर को बोलते हैं जो मतलब कोस्टल एरिया में आती है, जहाँ समुद्र के किनारे, और ये वेव इतनी बड़ी होती है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होती है। ओशियन ड्यू टू द अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ ओशियन, जब अर्थक्वेक आता है मतलब ओशियन के अंदर, तो उस वजह से ये क्रिएट होती है। द एनर्जी रिलीज बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक पुशेस द वाटर अपवर्ड, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो वाटर को भी ऊपर की तरफ से खींचे, जैसे जमीन फटती है ना तो उसके से एनर्जी निकलती है ना, तो वो पूरे पानी को ऊपर की तरफ फेंकती है और वो पूरा पानी समंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दिस वेव आर वेरी हाई, बहुत हाई वेव होती है, कभी कभी तो ये 800 to 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर आती है, ठीक है, और रीचिंग अप द कोस्टल एरिया देयर वेलोसिटी इज रिड्यूस बट देयर हाइट इंक्रीज। फिर धीरे धीरे वो जब बाहर पहुँचती है ना तो उसकी वेलोसिटी मतलब स्पीड तो कम हो जाती है बट उसकी हाइट और बढ़ती जाती है, कोस्टल एरिया यानी जमीन तक पहुँचने, समंदर से निकल कर ज़मीन तक पहुँचने तक उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लाउड बस्ट, जो आपने पहले पढ़ चुका है क्लाउड बस्ट का, तो फिर भी देख लो उसका आंसर है। जो वो बादल फटता है तो बहुत हैवी रेनफॉल होता है ना, और नियर द टेम्परेचर हाई, तो क्यों होता है, ड्यू टू द वेरी हाई टेम्परेचर नियर द लैंड, जब बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है नियर द लैंड, देन वाटर कमिंग डाउन टू द रेन क्लाउड डज नॉट रीच द लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेन बट वेपोराइज एट गेट बैक इन टू द सेम क्लाउड, दिस कॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ वापर। वो क्या होता है कि वापस उतनी गर्मी की वजह से पहुँच नहीं पाता है, तो इसलिए मेन क्लाउड से जाके वो क्लाउड बनने के बजाय जो कोई अगर दूसरा क्लाउड है उसे टकराने के बाद वो बस्ट हो जाता है। फिर एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वॉल्केनो, ये देख लो उसका आंसर है कि वॉल्केनो के क्या इफेक्ट्स होते हैं। फिर लाइटनिंग स्ट्राइक, ये उसका आंसर है, इसको देख लो। छोटे छोटे पॉइंट से ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, और आपको लगता है कि मतलब इतने पॉइंट नहीं याद कर सकते तो एक दो पॉइंट इसमें आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, चलो उसको देख लेते हैं। क्या है, व्हाट मेजर हैव बीन टेकन टू डील द कैलेमिटीज एज सच फ्लड लैंडस्लाइड और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या क्या प्रोग्राम्स हैं मतलब अगर कभी ऐसे कुछ कैलेमिटीज आ जाते हैं तो। तो ये है उसका आंसर, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ने एक सेल बनाया जी डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस सेल पीपल आर गिविंग वार्निंग अबाउट द स्टॉर्म अर्थक्वेक एंड फ्लड एंड एडवांस, ये लोग एडवांस में वार्निंग दे देते हैं जब कुछ आने वाले, क्योंकि ये बोलते हैं ना मौसम विभाग यानी क्लाइमेट कंट्रोल के वो मेंबर होते हैं लोग। 1976 में गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था, किसने, नेशनल फ्लड कमीशन। द कमीशन हैड मेड द स्पेशल एफर्ट टू वर्ड द कंट्रोल ऑफ फ्लड्स, की कैसे एफर्ट लगाते हैं कि फ्लड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं जो जो आपको अच्छे लगते हैं वो लिख लो। फिर ये पॉइंट पे क्वेश्चन नंबर 5 मतलब पॉइंट नंबर 5 है, इफ देयर इज अ लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट कॉसिंग लॉस ऑफ हाउसेस ऑफ पीपल और गवर्नमेंट प्रोवाइड शेल्टर ऑफ होम, कि अगर ये लोग मतलब लैंड वैंड चले जाते हैं मतलब घर वर टूट जाते हैं तो गवर्नमेंट इनको शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ऑल्सो हैव प्लान फॉर गिविंग ऑल काइंड ऑफ हेल्प सिटीजन ड्यूरिंग कैलेमिटीज, और बहुत सारी हेल्प गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो हमारे उनके मतलब महाराष्ट्र के सिटीजन हैं ऐसी किसी आपदा यानी कैलेमिटीज के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मैनेजमेंट, एक वो एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है, तो इसलिए इसका आंसर मैंने नहीं दे दिया क्योंकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर मैंने नहीं दिया। तो अभी तक हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, अराउंड मैंने 150 से भी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, और आपको पता नहीं है कि कहाँ पे है, तो डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी जहाँ आप कमेंट करते हो वहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सीधा आप जाओ वहाँ से जो भी चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर या प्ले मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए अब वहाँ से जाके मिल जाएगा। और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाले जो भी मैं स्टडी हैक्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको मालूम पड़े और सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।